जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद को प्रदेश में स्वच्छता अभियान में 20वां स्थान मिलने पर समाजसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदुरानी और अधिशासी अधिकारी राजकुमार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। प्रदेश भर के 75 जिलों के सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का एक स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका परिषद को प्रदेश भर में 20वां स्थान और देश में 158वां स्थान मिलने पर शहर की समाजसेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदुरानी के आवास पर पहुंचकर उन्हें और अधिशासी अधिकारी राजकुमार को शॉल उड़ाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस विषय में अध्यक्षा इंदुरानी ने कहा कि नगर पालिका परिषद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से ये सब संभव हो पाया है, जिसके लिए मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। वहीं उन्हें सम्मानित करने वाली संस्था के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी जी स्वच्छ भारत और स्वास्थ्य भारत तथा योगी जी ने उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, ये उस दिशा में एक कदम है। जब हमें स्वच्छता अभियान में चंदोसी को 20वां स्थान मिलने की जानकारी प्राप्त हुई तो हमें उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया। चेयरमैन साहब को सम्मानित किया है, क्योंकि चंदोसी प्रदेश में 20वें नंबर पे आई है स्वच्छता में, क्या कहेंगे साहब? आज सर्वप्रथम अपने गणेश जी बाबा जी के जन्मदिन के पावन पर्व पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंदोसी एवं उनके पति देव जीवन साथी लारा राम जी एवं समस्त वार्ड सभासद और समस्त सफाई कर्मचारी सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक सम्मान करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। कारण के अपनी चंदोसी स्वच्छता के रूप में टॉप में मिला है हमारी चंदोसी नगर को, इस बात की हमें बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनाने का बीड़ा उठाया, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का निर्णय लिया। आज हमारी चंदोसी नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष ने इस चंदोसी को स्वच्छ भारत और स्वच्छ चंदोसी और स्वच्छ चंदोसी स्वस्थ चंदोसी बनाने का बीड़ा उठाया। इस चीज़ के उपलक्ष में मैं समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत हार्दिक सम्मान, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, जय भारत जय श्री राम। जी ये देखिए सभी नगर पालिका हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका की सभी कर्मचारियों के परिश्रम और मेहनत का ये परिणाम है, और साथ में जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और आगे भी काम बहुत बाकी है। अभी हम सब लोग मिलकर और अच्छा प्रयास करने वाले हैं ताकि हम जाते टॉप 5 में आए या नंबर 1 पे आए। इसके लिए हम सब नगर पालिका परिवार और चंदोसी की सभी जनता से मेरा आग्रह रहेगा कि हम सब मिलकर के चंदोसी को चांद सी बनाएंगे, और हमारा प्रयास होगा, हम सब फिर से मेहनत से लगेंगे इस काम में।